वेलकम है दोस्तों आपके अपने चैनल बुक्स अड्डा वन में। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस विषय में सबको जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला था 2020 का वो कब तक हो सकता है। दोस्तों डेट तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अगर आपको कोई डेट बता रहा है तो समझ लीजिए चैनल पे आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के दौरान जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और जब से मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम को बारीकी से समझा है देखा है उस पैमाने पे रख के बताना चाहूँगा। और जो इस समय कंडीशन है कोरोना वायरस की, ये कब तक चीज़ों का कंट्रोलिंग रहेगा, उन सारे चीज़ों को बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डेट क्या हो सकती है, ठीक है। एक्चुअल डेट तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं जो मंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मोस्टली काफ़ी हद तक वही मंथ होना है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस को समझिएगा और जो मैं बताना चाह रहा हूँ देखते हैं कब तक ये बातें सही होती हैं कि नहीं, लेकिन ये मेरा जो अनुभव कह रहा है, ठीक है। इस पेंडेमिक को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और एग्ज़ाम के प्रोसेस को देखते हुए सारी बातों को लेके चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या कौन सा मंथ हो सकता है हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के 2020 के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों पहली बात जो आपको जाननी ज़रूरी है, एसएससी का प्रोसेस क्या चल रहा था, कब ये रुका, उस बात को ध्यान रखते हुए हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मंथ हमें टारगेट करना पड़ेगा और कौन से मंथ में एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए पहले बात सुनते हैं। पहले जो आपको बात सुनना है वो पता चलेगा CHSL के बारे में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, इसी के बीच में उसको पोस्टपोन कर दिया गया, टोटली क्लोज कर दिया गया, बोला गया कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होना था लगभग ये एग्ज़ाम 15 दिन, ठीक है, आप एक लगभग में जा रहे हैं, वैसे 12 दिन ही एग्ज़ाम होना था लेकिन आप 15 दिन मान के चलिए, ठीक है। केवल 15 दिन ये एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है, और ये एग्ज़ाम बीच में ही रोक दिया गया। अब देखिए, अब स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के डेट पे आइए। स्टेनोग्राफर का जब एग्ज़ाम का डेट है वो 5 से 7 मई, ठीक कल से शुरू होने वाला था, ठीक है, 5 से 7 मई कल ठीक शुरू होने वाला था। अब ये होगा क्या दोस्तों, आइए थोड़ा वर्तमान कंडीशन को समझिए फिर पेपर के एग्ज़ाम का मंथ समझिएगा। जैसे अभी जो कंडीशन मई का चल रहा है, ठीक है, मई मंथ में अभी सारा लॉकडाउन है और आगे एक बार और भी लॉकडाउन बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब मई में कोई रियायत, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ सकता कि कुछ काम होगा, ठीक है। अच्छा, जून में क्या होगा, जून में अधिकतर चीज़ों की छूट दी जाएगी, ठीक है। जून में क्या होगा पहले ऐसे समझिएगा, ठीक है। मई में क्या होगा, सारा ख़त्म हो गया मई, जून में क्या होगा, मोस्टली चीज़ों की छूट मिलेगी, याद रखिए मोस्टली चीज़ों की छूट मिलेगी। शिक्षण संस्थान और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मोस्टली कामकाज होंगे और इसके बिना पे ध्यान दिया जाएगा कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे जो लगता है कि इस जून मंथ में काफ़ी कुछ जो छूट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग काम चलता रहेगा, ठीक है। और जुलाई मंथ से ये एक्सपीरियंस करने लगेंगे लोग कि शिक्षण संस्थानों को थोड़ा थोड़ा परमिशन मिलेगा कि हाँ चीज़ें ओपन हो, डिस्टेंसिंग के साथ कई सारे काम हो, मतलब मोस्टली चीज़ें यहाँ पे हमें जहाँ लग रहा है कि ये लगता है कि जुलाई में काफ़ी कुछ रियायतें एकदम मिल जाएंगी, ठीक है। और शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, उनको भी रियायतें इस जुलाई मंथ में मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब रही बात एग्ज़ाम कब होगा, उसके डेट के बारे में हम इस चैनल पे आए हुए, ठीक है। तो बुक्स अड्डा वन जो चैनल है आपको वैकेंसीज़ के बारे में, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा उसके बारे में बताएगा और बुक्स के बारे में सजेस्ट करता है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस मुझे समझ में आया हुआ, ठीक है, टोटल 15 दिन तो पहले एग्ज़ाम CHSL के ही कराए जाएंगे, ठीक है। जुलाई मंथ आपका बीत जाएगा, कोई काम नहीं होगा। पेंडेमिक से उभरने की बात मैं बता रहा हूँ, पेंडेमिक से उभरने के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने चाहिए कि आज मान लीजिए लॉकडाउन हटाया गया, अभी 2-2.5 महीने देखे जाएंगे कि काम धीरे धीरे सब चीज़ें शुरू होंगी, एग्जैक्ट सब कुछ नहीं दे दिया जाएगा, तो 2-2.5 महीने उभरते हुए लग जाएंगे, ठीक है। इस बीच में कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। अच्छा, जुलाई मंथ खत्म हो गया, जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त का जो महीना आएगा उस महीने में 15 अगस्त के बाद, ठीक है, 15 अगस्त के बाद ठीक जो एग्ज़ाम होना है, जैसे जून जुलाई आपका क्रॉस हो जाएगा, अगस्त के 15 तारीख के बाद आपको CHSL का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है।
मोस्टली मतलब चांसेस हैं कि 15 अगस्त के बाद आपको CHSL का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। और सितंबर मंथ में दोस्तों, जी हाँ, जो मैं मंथ आपको बताना चाह रहा हूँ वो कौन सा मंथ हो सकता है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस मंथ से है और इस मंथ तक एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब अगर आप मेरे से परसेंटेज पूछें तो मैं 90% बताऊंगा। ठीक है, 90% बोलूंगा कि सितंबर मंथ में SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब ये फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, कौन से वीक, इसको भी एक मान के चलिएगा। ये सेकंड वीक का प्रोसेस, मोस्टली मेरे को लग रहा है कि सेकंड वीक का प्रोसेस आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है इस एग्ज़ाम से, वो यही है कि सेकंड वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा। ठीक है, आपकी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन हटा, सारा कुछ प्रोसेस में आएगा, आपके एक मलाल रह जाएगा कि लॉकडाउन के समय का हमने सही से यूज नहीं किया। ठीक है, तो लॉकडाउन के समय का यूज करिए। एग्ज़ाम मंथ मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर में होगा। ठीक है, सितंबर में डन है एग्ज़ाम होने का। ठीक, रही बात, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट मारिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम की, अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो क्लासेस चल रही हैं मेरी। ठीक है, क्लासेस दी जा रही हैं, और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस में सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं। फ़ीस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ पेड नहीं होता है तो ना तो काम करने वाले का मन होता है और ना ही पढ़ने वाले का मन होता है। ठीक है, तो दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट याद रखिएगा सितंबर मंथ में, सॉरी डेट नहीं, मंथ याद रखिए, एग्ज़ाम का मंथ सितंबर ही होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, और अगर क्लासेस चाहिए तो क्लासेस के लिए आप नीचे कमेंट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे धीरे धीरे, जिस चीज़ से हमें समझना होगा कि आगे क्या हो सकता है और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं, तो उन पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे आप आइए, इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको बहुत सारी बुक्स, मतलब अच्छे अच्छे किताबें SSC स्टेनो से रिलेटेड, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सारे वैकेंसीज, जो भी हर वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन और कई चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।